अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सईदास कुकिंग में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी इस मज़ेदार से नज़र आने वाले बर्गर की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। इसमें एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और एक कप इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब, और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट का मसाला, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून केचप, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसको ऊपर से फ्लैट कर देना इस तरह से, और तब तक हम इसमें जो फिलिंग डालते हैं ना सैलेड की, जिसको कोल्सलो भी कहते हैं, उसकी तैयारी करेंगे। इसके लिए हाफ कप मैंने मायोनीज लिया है। इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून केचप डाल के इसमें नमक डालेंगे हसबे जायका, काली मिर्चों का पाउडर डाल के हसबे जायका इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब तक मैं कोल्सलो बना रही थी तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे इस तरह से, और हमने इसके 4 पेटीज़ बनाने हैं। तो आपने जितना बन है उसके साइज़ का आपने इसको पेटी बना लेना है, इसका कबाब बना लेना है। ये थोड़े मोटे ही बनेंगे, ये देखें इस तरह से मैं सारे बना लूँगी। और अब हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है, ये गर्म हो जाए तो इसमें हम कबाबों को रख देंगे फ्राई होने के लिए। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, क्योंकि कबाब मोटे हैं तो अंदर तक पकने चाहिए। और जब एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक हम उसको फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पर। और ये कबाब हो गए हैं तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने सेम पैन के अंदर हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, इनको स्लाइसेस में काट के और इनको फ्राई कर लेना है। और जस्ट 1 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। इस पर 1 चुटकी नमक छिड़केंगे, बस इसको आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है। बस 1 मिनट तक फ्राई होने के बाद आप इसको निकाल लेंगे। अब हमने इसी पैन के अंदर चंद बूंदें ऑयल की डाल के हमने बन को सेकना है, और बन का जो अंदरूनी पार्ट होता है आपने उसको सेकना है, और जस्ट हल्का सा सेकना है कि इसमें जो होल्स होते हैं ना हल्के हल्के वो सील हो जाएं, क्योंकि फिर मैं इसमें कोल्सलो डालूंगी तो ये सॉफ्ट ना हो बन, हल्के से बस इस तरह से। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे, और यह कोल्सलो मैंने बनाया था इसकी फिलिंग करनी है आपने पहले, और अच्छी खासी करनी है, कंजूसी नहीं करनी है आपने इसमें। और इसके ऊपर रखेंगे कबाब, और उसके ऊपर फिर हम रख देंगे उस वेजिटेबल की फिलिंग जो अभी हमने बनाई थी, ये देखें। अब बर्गर के दूसरे साइड पे हमने लगाना है केचप, और बस इसको इसके ऊपर रख देना है और बर्गर तैयार। तो जी ये मज़ेदार शानदार सा बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और बच्चों को बना कर देंगे ना तो यकीनन दोबारा आपसे फरमाइश करेंगे कि मम्मा फिर कब बना रही हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।